हेलो एवरीवन वेलकम टू पी डब्ल्यू आई और स्वागत है आपका इस डिस्कशन में जहां आज हम डिस्कस करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट तो अभी तक आपने अपने आंसर्स लिखे हैं और आपको पता है कहां अपलोड करना है अपने आंसर्स को आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करना है जो बेस्ट आंसर्स होंगे उनको रिव्यू किया जाएगा और आपको वो कॉपीज भी साथ में मिली रही है जिनसे आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि आंसर्स में क्या कमियाँ हैं कैसे बेहतर तरीके से आप आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं डिस्कशन तो हम आपस में कर ही रहे हैं तो वो कहां से आपको लिंक मिलेगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां से आप अपने आंसर्स को अपलोड कर सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन और आज जैसे हमने बात करी डिजास्टर मैनेजमेंट की तो पहली बात जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हो तो हाउ डू यू डिफाइन डिजास्टर वॉट इज अ डिजास्टर एंड वॉट इज हजार्ड पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए हजार्ड में जब कोई दुर्घटना घट जाती है तब वो डिजास्टर बन जाता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ अगर कहीं पर बहुत ज्यादा माइनिंग हो रही है विच इज नॉट लेड टू समर्ट ऑफ लैंड स्लाइड बट इफ इट लीड्स टू लैंड डिजास्टर दैर इज समथिंग समू नीड टू रिमेंबर तो डिजास्टर मैनेजमेंट मीन यू हैव टू फाइट डिजास्टर्स आर टेकिंग प्लेस बहुत बेसिक सी कहानी है मैंने क्यों मैं क्यों इसके ऊपर बात कर रहा हूं अभी बताता हूँ पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एनालाइज द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन इंटीग्रेटिंग इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स इनटू मॉडर्न डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया नो सिंपल सी क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि हमें इंडिजिनस नॉलेज जो है इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स क्या हो सकते हैं यानी yani सालों से ट्राइब्स हैं या लोग जो रहते आए हैं जिन इलाकों में उनके पास कुछ प्राकृतिक तरीके होते हैं एसेस करने के कि की समिजास्टर माइट टेक प्लेस आर कमिंग साइक्लोन्स आर कमिंग और कमिंग So how can we use it in our modern systems? And within this answer, we have to also look at, uh, we are analyzing it. So what are the challenges and, and uh, opportunities in integrating that into your modern systems? For example, abhi hum jis tarhaise, uh, cyclones may have flood may, let's say even in earthquakes, how we evacuate people, that response time will reduce drastically if we have certain practices like this. बट पॉइंट ये है कि जितने भी प्रैक्टिस होते हैं सारी अनसाइंटिफिक होते हैं दीज आर बेस्ड ऑन हंचेस और यू कैन से ऑब्जर्वेशन पैटर्न विच डोंट हैव एनी साइंटिफिक बेसिस और क्योंकि साइंटिफिक बेसिस नहीं है इसी वजह से अक्सर इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से बट क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली मॉडर्न प्रैक्टिस के बारे में ट्रेडिशनल uh, प्रैक्टिस के बारे में पूछ रहा है तो हमें उसका एग्जाम्पल यहाँ देना है तो यहाँ पर देखिए अगर आप प्रोमिनटली देखोगे तो यू हैव अराउंड It's a 10 marker, so you might have around 150 words to answer this question. So, when you're discussing this, you're primarily going into intro and intro. In intro, you have to define what are some of the common traditional knowledge systems.

अब पानी के छोटे मोटे आप पहाड़ों पर भी आप देखो छोटे मोटे गड्ढे गड्ढे से होते हैं कई जगह आप जाओगे तो तो होता यह था कि वहां पर पानी जमा रहता था अगर आप एक ऐसी फ्लैट लैंड पीस में देखो तो पेड़ होते ढेर सारे और कई जगह से इसे गड्ढे से बने होते थे ठीक है कई जगह ताल कहते थे दिस सिस्टम वॉज देयर ताकि होता यह था इससे कि जब भी बारिश होगी तो यहां पर पानी जमा रहेगा जब फॉरेस्ट फायर से आएंगे सॉरी जब फॉरेस्ट फायर आती हैं तो ये जो ताल हैं ये किसी भी फॉरेस्ट फायर को पनपने नहीं देते क्योंकि जैसे पाइन वगैरह हैं उन उनके पत्ते काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं जिनमें आग लग सकती है सो दीज ताल्स प्रिवेंट एनी फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग ठीक है फिर मिशी जैसे मिशी ट्राइब है उनकी प्रैक्टिस हैं फिर कुछ जैसे आसाम की ट्राइब्स हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर काम करते हैं। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं जो आप पुश कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में दैट हाउ कोमन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हैव सेफ गार्डेड वेरियस कम्युनिटीज एंड देयर नॉलेज विच गोज अक्रॉस सेंचुरीज कैन बी यूज टू फर्दर सप्लीमेंट आर मॉडर्न टेक्निक्स टू फाइट एनी डिजास्टर और कैन बी यूज्ड इन डिजास्टर मैनेजमेंट वंस यू एस्टेब्लिश कि भाई मैंने दो तीन एग्जांपल लिख दी इंट्रोडक्शन में बता दिया देन आई एल गो इन टू माई बॉडी ऑफ द क्वेश्चन एंड इन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन आई कैन प्राइमरली डिस्कस इन बॉडी आई कैन प्राइमरली डिस्कस वी चैलेंजेस इसको आपको मान लो दो तीन पॉइंट में यू हैव थ्री पॉइंट टू राइट दिस स योर ऑपर्चुनिटीज तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई चैलेंजेस के तीन चार पॉइंट आपको लिखने हैं वहां पर क्या आप, आप एड कर सकते हो सो वन लुकिंग एट चैलेंजेस तो पहली बात वही है अनसाइंटिफिकॉरी आप क्लियरली यहां पर मेंशन कर सकते हो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है ठीक है एंड ऑफन दे डोंट हैव एनी रिकॉर्ड्स नॉट कलेक्टिव रिकॉर्ड्स ठीक है फिर देर आर ऑफन कॉन्फ्लिक्ट विद हाउ आर प्रिंसिपल स्टैंड वॉट द बिलीव फॉर एग्जाम्पल कई ट्राइब्स या ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं टू प्रीएम एनी सच डिजास्टर बट दर इज नो साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड दिस ऑफन एट टाइम्स तो उसको आप कंप्लीटली जो एमलगबेट नहीं कर सकते मॉडर्न प्रैक्टिस के साथ लेकिन अपर्चुनिटीज क्या है अपॉर्चुनिटीज की जब आप बात करोगे तो यहां पर आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे कि विच आर योर एग्जाम्पल्स जहां पर आपकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया जाता है जो आपने इंटरव्यू में दिया उसके अलावा आपको एग्जाम्पल्स देने हैं एंड देन यू विल फोकस दैट हाउ इट कैन ऑर्गमेंट एंड फाइनली यू विल राइट अबाउट इवेंचुअली इन कंक्लूजन यू कैन राइट द वे हैड अगर जर्नली स्ट्रक्चर्स की बात करें यू फॉलो दिस स्ट्रक्चर वी हैव इनअ पॉइंट्स ऑन दीज क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल पहली बार इंडिजिनस नॉलेज को आप एक्सप्लेन करोगे देन यू विल गिव दैट एग्जाम्पल्स तो एग्जाम्पल्स कहाँ से आओगे लाओगे उत्तराखंड की बात कर लो नॉर्थ ईस्ट की बात कर लो अरुणाचल प्रदेश की बात कर लो आसाम की बात कर लो झारखंड की बात कर लो अलग इलाकों में अलग अलग कल्चर्स uh, होते हैं दे हैव देर ओन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम विच द यूज टू प्रीएम वेर एग्जाम्पल एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में धर्जी दिवारी का सिस्टम है यहां पर होगा मेनशन ये गई जो कि अर्थ को एक रसिस्टेंट होम बिल्डिंग या जो आप हाउस कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर फोकस करते हो तो ये आप इजिली अपने में लिख सकते हो कि भाई इन सिस्टम्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं टू टू ऑगमेंट आर मॉडर्न प्रैक्टिसेस इन होम बिल्डिंग या हाउस बिल्डिंग पर दिक्कत यही है कि जैसे मैंने बताया आपको दाची दिवारी की की प्रथा जो है जिस तरीके से इसको बनाया जाता है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो यू कैन नॉट गो एड एंड टेल एनी इंजीनियर कि भाई देखो ये प्रिंसिपल से फॉलो करने या इस बेसिस पे इसको बनाया गया है फॉर एग्जाम्पल जापान में ये किया जाता है अक्सर जो घर होते हैं दे आर अर्थ क्विक रिस्टेंस वो लोग कल्चरली ऐसे घर बनाते हैं सालों से क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्थ क्विक वहाँ पर आते आई हैं तो कश्मीर में सिस्टम है लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिस्टम जो है इट हैज़ नॉट बिन डॉक्यूमेंटेड इट डजेंट अ प्री इस्टेब्लिश सेट ऑफ नॉर्म्स तो उसको आप डायरेक्टली उठा के नहीं कह सकते हाँ ये एक सही तरीका है बट यू कैन डू सम सॉर्ट ऑफ स्टडी टू अंडरस्टैंड कि आखिर क्या प्रैक्टिस इस्तेमाल किया गया कैसे ये काम में आतेगी साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जैसे एनिमल बिहेवियर फॉर अर्थ क्विक वैलिडेशन ये कहा जाता है कि कई कल्चर्स में इसको माना जाता है लेकिन देर इज नो बेसिस ऑफ दैट दैन देर आर ऑफिस ऑब्वियसली देर कल्चरल डिफरेंसिस इन कल्चरल सम ऑफ द मॉडर्न प्रैक्टिस विल बी डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट विथ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस मैंने आपको मिशी ट्राइब की बात की थी तो मिशी ट्राइब की भी बात यह है कि वो अपनी कल्चर बिलीफ मानते हैं कि कैसे वो फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे दे हैव बीन लिविंग इन असाम फॉर सेंचुरीज नाउ और आसाम के प्लेन्स में बहुत बार बार आती है तो कल्चरली देव प्रपेयर दैम सेल्फ टू तो फाइट विद द फ्लड तो उसमें अपना घर जो है उसको बिल्ड करना या जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ हैं वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना कि इन केस ऑफ फ्लड दे डोंट

यू नो फ्लेक्सीबिलिटी कि अगर फ्लड्स आए या फिर अर्थ क्विक आए तो उससे कैसे अपने आप को बचाना है सो इट इज़ नॉट अ पेनिशिया इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन इट इज़ नॉट अ क्विक फिक्स इट इज अबाउट अडेप्शन कि अगर कुछ ऐसा स्ट्राइक करता है तो हाउ विल दे बी एबल टू बी इन अ सिचुएशन सो दैट दे फेस एज लेस डैमेज एज पॉसिबल सो इन सम बेसिक मिनिमम वर्ड यू कैन यूज दिस टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर ये चीजें की जा सकती हैं लेकिन प्रेजेंट टाइम में दिक्कतें क्या आ रही हैं प्रेजेंट टाइम में दिक्कत ये आ रही है इंस्टीट्यूशन चैलेंज है कुछ लोग इसको ऑबडेटेड कहेंगे साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है कल्चरल डिफरेंसेस हैं बट इज दल्सो अ ट्रेंड वेयर पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम द कल्चरल प्रैक्टिस न ऑर्गनाइजेशन इज स्प्रेड अक्रॉस इंडिया तो जो नई जनरेशन है दे डोंट रियली इंडल्ज इन डोज प्रैक्टिस एंड एज वी डिस्कस की पहले पॉइंट क्यों अनडॉक्यूमेंटेड सिस्टम्स हैं सो देट देव आर अनडॉक्यूमेंटेड एंड दे हैव नो वैलिडेशन इस वजह से आज की जनरेशन में अगर लोगों ने इसको अडेप्ट नहीं किया तो अपने आप वो चीज़ें खो जाती हैं तो जैसे ताल वाला सिस्टम बोला मैंने ताल सिस्टम हुआ करते थे टू स्टॉप एनी फॉरेस्ट फायर लेकिन अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है जैसे आप कंप्यूटाइजेशन ऑफ रोड करेंगे उसके बाद अपने आप वहाँ पर वो जो पानी सोखने की बात थी या जो पानी थोड़ा स्टोर होता था नेचुरली टू स्टॉप एनी सेट हजार फ्राम टेकिंग प्लेस एनी सेट डिजास्टर फ्राम टेकिंग प्लेस वो अपने आप खत्म हो गया और लोग भी जैसे शिफ्ट कर रहे हैं उनके बाद प्रैक्टिस खत्म होती जा रही है इट्स अ मेजर कंसर्न कैन से तीन पॉइंटे या चार पॉइंट एक्सप्लेन किया विद जस्ट हैल्प तो इसमें होगा यह पहले इट विल कॉम्प्लीमेंट साइंटिफिक अप्रोचेज वाई इट विल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंटिंग द सेंस इट विल प्रोवाइड यू मॉर वे हेड फॉर एक्जाम्पल जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हैं फ्लड मैनेजमेंट के इवेक्एशन के एग्जाम्पल मैं दूंगा केरला इन केरला फ्लड्स मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल ग्रुप्स

ये बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है जिसका एग्जाम्पल लिया जाता है वाटर मैनेजमेंट में ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस में ताकि फ्लडिंग ना हो अगेन अरुणाचल का पूरा इलाका जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा की वजह से सियांग की वजह से जो फ्लड्स आते हैं इसकी वजह से तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं एम्बैंकमेंट्स बिल्ड करते हैं एंड कनाल्स को बिल्ड करते हैं तो इस सिनेरियो में दे आर बेटर प्रिपेयर्ड एनी टैक्टिक्स एंड फाइनली इट वेरी फ्लॉस्ट इफेक्टिव एक्साम्पल बैंबू एंड का इस्तेमाल आसाम में होता है और एक्सटेंसिव जो एक्सपेंसिव जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके बदले में ज्यादा रेजिलियंट होते हैं ये नीलगिरी हिल्स की बात कर लो वहाँ की ट्राइब्स टोडा ट्राइब के मैनेजमेंट प्रैक्टिस हैं टोडा का एग्जाम्पल भी यहाँ पर है. जहां पर वो मॉडर्न फायर फाइटिंग टेक्निक्स को हम जिसमें ऐड कर सकते हैं कैसे फॉरेस्ट फायर से लड़ा जाए क्योंकि यहाँ पर ये यह सालों से हैं एंड दे नो हाउ टू फाइट द फॉरेस्ट फायर सो वट हाउ टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज टू द बेस्ट ऑफ इट्स एडवांटेज कैन बी लर्न फ्राम टू द ट्राइब्स इन नीलगिरीज एज वेल तो हमने जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दिया अरुणाचल का एग्जाम्पल दिया असाम का एग्जाम्पल दिया आपने यहाँ पर नीलगिरीज का एग्जाम्पल दिया सो अक्रॉस इंडिया यू आर पिकिंग एग्जाम्पल्स फ्राम डिफरेंट कॉर्नर सो इट विल गिव यू आंसर मॉर वेल राउंडेड शेप और यही आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप हर एरिया से कुछ ना कुछ पिक करो और इवेंचुअली कल्चर हेरिटेज भी बिल्ड होता है जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम्पल ले लद्दाख का एग्जाम्पल आप ले सकते हो सो so, जब हम इन चीज़ों पर काम करेंगे जिसको हम ऑलरेडी अपने पहले पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं वी वाइज इवेंचुअली लीड टू अचुएशन वेअर साइंटिफिक प्रैक्टिस कैन गेट फर्दर हेल्प फ्रॉम योर ट्रेडिशनल नॉलेज Because it is ages old knowledge which has been transferred from generation to generation that can be used to augment our practices, augment our scientific approach, or we can use our scientific approach to further. यू कैन सी डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूशलाइज इट एंड देन वी कैन क्रिएट अ मॉर रॉबर्स एंड रिजिलियंट डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोचेज एंड सिस्टम विच विल ऑल्सो रियलाइज द कल्चरल आस्पेक्ट तो यहाँ पर वही बात की गई है जो इशूज थे हमारे हमारे पास पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कुछ साइंटिफिक वैलडेशन कर पाए तो वो करना चाहिए कम्युनिटी इनिशिएटिव होनी चाहिए कम्युनिटी लेड मॉडल फॉलो होना चाहिए जहाँ पर कम्युनिटीज़ माइड फील इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस लोकल कल्चर लोकल ट्रेडिशन लोकल पीपल शैल बी इन्वॉल्व एंड दीज आर योर वे हैड इन दिस की अगर हम ये करते हैं तो हम ज़रा बेहतर तरीके से चीज़ों को आगे लेके चल पाएंगे फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक वैलिडेशन में राजस्थान में जो ड्राउट आते हैं उससे लड़ने के लिए क्या सिस्टम है हम उसको मेन प्रैक्टिस में ला सकते हैं फॉर एग्जाम्पल राजस्थान एंड इवन सम पार्ट ऑफ लेट से मध्य प्रदेश एंड बिहार वहां पर बहुत ज्यादा ड्राउट आते हैं तो वहां दे यूज मिल्च एनिमल्स स्पेसिफिकली काउ वो कभी जर्सी गाय का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि जो जर्सी गाय होती हैं जो हाइब्रिड गाय होती हैं दे नीड मोर मेंटेनेंस जो देसी मिल्च अगर आप कैटल की बात करें दे कैन विद स्टैंड एनी सच ड्राउट तो वो अप्रोच का डिफरेंस जो है वो हमें दिखता है सो वी कैन अडोप्टोज प्रैक्टिस इन टू आर साइंटिफिक मॉडल्स टू प्रोवाइड अमअर हॉलिस्टिक अप्रोच सो मेजरली आप इन डायमेंशन में इसको डिस्कस कर सकते हो बहुत ब्रॉडली क्वेश्चन है यहां पर पूरी कहानी एक ही चीज की थी कि आपको प्रैक्टिस पता है या नहीं पता है यू कैन ऑलवेज एड ऑन दीज टॉपिक्स इन टू मैंने चार पाँच छह सात एग्जाम्पल्स डिजास्टर मैनेजमेंट के जो लोकल कम्युनिटीज के हैं वो लिख लिया जहां नोट्स है पर अभी कर लो और आंसर का स्ट्रक्चर करना इसको कंपेरिटिवलीजियर था बाकी क्वेश्चन के मुकाबले तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं इंडिया जोग्राफिकल लोकेशन मेक्स इट वरेबल टू अ रेंज ऑफ नेचुरल हजार्स द फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू इट्स वर्लरेबिलिटी अब क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा जोग्राफी है और इच्छ मेक्स इट वरेबल टू अ अब इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें पहले एक मैप यहाँ पर बना ही लेना चाहिए नॉर्मल पर है ठीक है लॉन्ग कोस्ट लाइन आप डिस्कस कर सकते हो यू कैन टॉक अबाउट डिफरेंट एरिया जहां पर अलग अलग इशू इसमें आप चाहो को सकते हो उतना टाइम आपके पास नहीं होगा बट एटलीस्ट मेक अ रफ इमेज सो रफ इमेज विल गिव यू मोर होलिस्टिक व्यू की आप अलग अलग जोग्राफीज़ वहां दिखा रहे हो वैन यू आर राइटिंग इन योर आंसर्स यू डोंट हैव टू पुट दैट मच एफर्ट इन टू एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग यू कैन जस्ट मैंशन की यहाँ यहाँ दिक्कतें हैं और यहाँ पर आप पॉइंट आउट कर लो डिफरेंट जोग्रफीज़ इन योर आंसर है बहुत सिंपल है यहाँ पर आप काम कर सकते हो यहाँ पर आप जो यूनिक जोग्राफिकल एरियाज़ हैं यूनिक जोग्राफिकल लोकेशन है उनको पॉइंट आउट कर सकते हो एंड देन यू कैन डिस्कस हाउ दे आर मेकिंग इंडिया मोर वलरेबल और किस तरह से आप इसकी रिस्क को मिटिगेट करो यही तीन एरियाज में आपको डिस्कस करना है अगन अगेन वन फिफ्टी मार्कर है यू डोंट हैव अ लॉर्ड ऑफ थिंग्स टू डिस्कस जोग्राफिक जब आप जोग्रफिक आस्पेक्ट की बात करते हो तो आपको पहली बात हमारी जो कोस्ट लाइन है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन किलोमीटर्स वो याद होनी चाहिए एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है इट मेक्स इट वनरेबल टू साइक्लोन्स इट मेक्स इट टू यू कैन टॉक अबाउट इवन फ्लडिंग And due to large coastline it also remains a uh, have issues like surami aa sakti hai halanki utni badi nahi aayi apart from that old one lagatar to nahi aati then you can talk about himalayan zone tectonic plates ke paas hai eurasian plate ka example aap le sakte ho indian plate ke sath you can talk about earthquake to तो एक aap wahan par earthquake uh, plate tectonics wali image bhi bana sakte ho easily to aap earthquake vulnerability ki baat karoge due to himalayas and you can also talk about that due to that there are chances of avalanche ठीक है.

ठीक है एंड प्लस द रिवर एंड द नेचुरल स्ट्रक्चर इज सच तो अर्थक्वेक की बात आ गई साइक्लोन की बात आ गई तो इस वजह से यहाँ पर ज्यादा अवेलेबिलिटी बनती है आप उसको स्पेसिफिकली डिवाइड करते चलो एक इमेज बना दी उसके बाद स्पेसिफिकली डिवाइड कर लिया पहले अर्थक्वेक की बात कर ली फ्लडिंग की बात कर ली साइक्लोन्स की बात कर ली तो यहां आपके पास कमी नहीं है एग्जाम्पल्स के यू कैन डिस्कस सुपर साइक्लोन इन उड़ीसा स्पेसिफिकली इन ईस्टर्न कोस्ट एम मोर

ग्लेशियल और स्नो मेल्ट की बात की गई है सिक्किम का आपको याद होगा ही ठीक है आप चेन्नई फ्लड्स की बात कर लो फ्लैश फ्लड्स का एग्जाम्पल आपको लेना है तो आप उत्तराखंड का एग्जाम्पल ले सकते हो ठीक है देहरादून में फ्लैश फ्लड्स आए थे और जो सेसेप्टिबिलिटी है वो फ्लैट टेरिन की वजह से और जो रिवर का फ्लो है आप कोसी का एग्जाम्पल ले सकते हो ठीक है विच चेंजिंग दि कोर्स ऑफ कोर्स आफ्टर आव...

पार्ट जो, जो आपका हजार्ड है वो डिजास्टर इसलिए बन रहा है क्योंकि बिकॉज़ पीपल बाईटिंग लिविंग देयर सो दैट इज वाई बिकॉज ऑफ हायर योर यू कैन टॉक अबाउट डेंसिटी प्लस मैं आपको एग्जांपल दूँ तो डिफोरेस्टेशन एक मेजर कारण है डिफॉरस्टेशन की वजह से लैंड होती है वेस्टर्न गार्डस का एग्जाम्पल हम देखते हैं केरला का एग्जाम्पल कर्नाटका एग्जाम्पल नीलगिरीज की आप बात कर लो जहाँ पर ड्यू टू इंटेंसिव

ये सारे कारण है जो दिखाते हैं इट मेक्स इंडिया अब मच मोर वल्नरेबल टू हज़ार्ड्स एंड डिजास्टर्स एंड यू हैव गिवन एग्जांपल्स यू हैव गिवन मेंशंस एंड यू हैव शोन इन अ मैप व्हिच विल गिव यू मोर बेटर यू टू टू सिस्टमैटिकली डिस्कस दिस ठीक है एंड दैट दीर आर प्राइमरी फैक्टर्स एंड प्लस जोग्राफी के साथ साथ जो एडिशनल फैक्टर्स आपको पूछेगा मैं आप ऑर्गनाइजेशन डिस्कस कर सकते हो इंफोटेशन डिस्कस कर सकते हो हायर पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्कस कर सकते हो प्लस लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच डिस्कस कर सकते हो जैसे अब सन्डाई फ्रेमवर्क आ गया ग्लोबल लेवल पर इंडिया में हालांकि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप रिलिटेड इन दैट बट इट टुक इंडिया अलॉट ऑफ टाइम टू ब्रीपेयर फॉर दैट नाउ वी हैव इंस्टीट्यूशनल फोर्स टू फाइट एनी डिजास्टर बट इट टुक समाइम फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स ठीक है लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल अवेलेबिलिटी प्लस ब्रॉड रेंज ऑफ डिजास्टर्स एंड लैक ऑफ एक्सपर्टीज इन इच एंड एवरी फील्ड इन वजहों से इट फर्दर एम्पलीफाइड द इम्पैक्ट ऑफ एनी हजारिटी सो ड्यू टू दैट एंड ड्यू टू अज जोग्राफी विद कॉम्प्लेक्सेंजर कंसर्न तो वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई आप जैसे यहां एग्जाम्पल दिया एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से कैसे भाई हजार बढ़ा रहे हैं जैसे मैंने बात की ड्राउट की सो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू मोर एंड की वजह की जितना भीज इलेक्ट्रीसिटी सो देर फ्रॉम ग्राउंड और उसकी वजह से पानी कम होता जा रहा है और वो हो क्यों कर रहे हैं ऐसा बिकॉज दे आर गेटिंग एमएसपी फॉर सर्टन क्रॉप लाइक वीट एंड पैडी विच इज मॉर वाटर इंटेंसिव लीडिंग टू मॉर एंड मोर डिमांड ऑफ वाटर इवेंचुअली क्रिएटिंग अ scenario जहाँ पर हम उन चीज़ों को उत्पादन करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और उन इलाकों में जहाँ पर पानी की भारी किल्लत है इसकी वजह से वहाँ पर जो सिचुएशन है वो इतनी ख़राब हो जाती है कि उनके पास कोई सुविधा तो नहीं है कि वो उससे लड़ पाएं तो इट विल लीड टू तो अ वेरी जोग्राफिकली डिफिकल्ट सीनरियो तो वो डिजास्टर रेजिलियस सिस्टम अगर हमें प्रो करना है तो हमें एक प्रोएक्टिव प्लानिंग टेक्नोलॉजी अप्रोच और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा बिच जो आपको कंक्लूजन में यहाँ दिख सकता है क्योंकि मेजर फैक्टर ये भी है कि इनके अलावा क्लाइमेट चेंज को आप देख लो तो वो इट्स कंसर्न रहे कि अगर आप साइक्लोन की बात करो फ्लड्स की बात करो अर्थ क्विक्स की बात करो दैट अर्थ क्विक्स तो नहीं फ्लड साइक्लोन हम डिस्कस कर सकते हैं मेजरली इवन ड्राउट डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न बदले हैं और जिसकी वजह से रेनफॉल इम्पैक्ट होती है और ड्यू टू दिस इरेगुलर एंड इनकन्सिसटेंट रेनफॉल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स वी आर विटनेसिंग अ लॉट मॉर साइक्लोन्स एंड फ्लड्स विच यू कैन पॉइंट आउट कि हाँ ये भी इन चीज़ों को और बढ़ा रहे हैं देन यू कैन राइट योर कंक्लूजन सो इट इज़ मॉर ऑफ लाइक अ वेरी स्ट्रेट फॉर्वर्ड क्वेश्चन तो अब इसको करोगे कैसे रिड्यूस तो इसमें हमने कुछ जो आपको पॉइंट एक्स्ट्रा दिया दट हाउ टू मिटिगेट द डैमेजेस तो पहली बात है यू हर टू स्ट्रेंथन योर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स सो हाउ विल यू स्ट्रेंथन एन विल से टेक्नोलॉजी अडेप्शन मॉडर्न टेक्नोलॉजी पल्स प्लस यू कैन ऑलवेज जो हमने पहले भी डिस्कस किया अभी Community, uh, community engagement, cultural practices that can be added, then you can talk about better urban planning and which can which follows flood management. for example, Sawarmati flood management ka jo water manag jo riverfront it, it has helped in reducing floods in that region. So we can use that in our practices. For example, Miti River in Mumbai and in Chennai, the floods have showcased that you need to reduce your construction over floodplains. स्पेसिफिकली रिवर बैंक हैं, दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड एंड एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नॉट बी स्टार्टेड ऑन द एरिया माइट विटनेस फॉर द रिटर्न लीडिंग टू अ वेरी डेंजरसियो तो ये कहानी है फिर आप अफोरेस्टेशन पर फोकस करो क्योंकि डिफोरेस्टेशन की वजह से दिक्कतें आती हैं क्लाइमेट रेजिलियट आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो टू इंश्योर यू हैव सच एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू योर लैंड सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन फोकस ऑन पल्स प्रोडक्शन इन लेट से पंजाब हरियाणा क्योंकि चावल आप वेस्ट बंगाल या बिहार में ले आओ जहाँ पर फ्लड्स रहते आते हैं जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है और स्पेसिफिकली uh, पेडी धान की फलस जिसे हम कहते हैं वो पानी में भी खड़ी रह सकती है तो वो फ्लड्स के एरिया में बहुत अच्छे से ग्रो की जा सकती है जो वाटर डिफिशेंट रीजन है वहाँ पर उसको हमें कम यूज़ करना चाहिए हम कम्युनिटी बेस्ड जस्ट मैनेजमेंट की अडॉप्ट कर सकते हैं केरला का एग्जाम्पल आप यहाँ भी दे सकते हो एफॉरिस्टेशन हमें करना चाहिए ग्रीन हम जो हम ग्रीन एक बेल्ट की बात करते हैं वो एरियाज वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ इन एरियाज की जरूरत है बट इन क्वेश्चन यू हैव क्लियर कट अप्रोच कि भाई मैप दिखाया जोग्राफी बताई वेलेबिलिटी बताई क्या स्टेप लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा अब वो भी अपने एक लाइन में मैंशन किया And you have concluded that or Zara to adapt with changing times we can learn we need to learn from global practices, local practices, and enhance our technology capability and have more financial, financially sound institutions to fight disasters or hazards. So now look at the third question. Examine the, to what extent has the National Disaster Management Plan, NDMP, have been successful in bridging gap between the preparedness and response phases of मैनेजमेंट ऑफ इंडिया अब देखो एन एक बहुत लैंडमार्क चीज है में भारत की, क्योंकि इट हैजैबलिश्ड होल हाउ वीटेन डिजास्टर्स हमेशा दैट यहीं पर, ये रहती है, things, really तो यही पर ये बात की गई कोर अगर हम क्वेश्चन में जाए गैप है प्रिपेरनेस में और रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स जब टाइम आता है वी आर ऑन द बैकवर्ड सो इट हैज़ टू बी सॉटेड आउट तो हमें उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है वो डिसकस करना है और वे हैड क्या है तो बेसिकली हमें करना यही है कि इसकी शॉर्टकमिंग्स एंड वे हैड इसके चैलेंजेस जो हैं एन डी एम पी में जो समस्याएँ हैं उनका क्या निदान किया जा सकता है इसकी हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में तो पहला नेशनल मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ये जो पूरा अप्रोच है ये बात क्या करता है कि, कि किस तरह से हम आ, ऐसा सिस्टम फॉलो करें जिससे हम डिजास्टर्स के लिए तैयार रहें सो एनी सच चैलेंज कैन बी सॉल्व आउट तो वी हैव टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजास्टर्स एंड वी हैव टू मेक एंड अडेप्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू सो एज टू फाइट एनी सच केसेस तो इसकी जरा बात करते हैं अगर हम देखें तो एनडीएमपी का फोकस कहां कहां पे होगा आप ना नॉर्मली किसी भी सिस्टम को देखो तो जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम होगा वो क्या कोशिश करेगा वो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीएम्प्ट ठीक है कि अगर कुछ अर्थक्विक आने वाला है फ्लड आने वाला है या साइक्लोन आने वाला है तो अगर आप उसको प्रीएम्प्ट कर पाओ पहले से उसकी कुछ भी दो परसेंट भी आपको अगर जानकारी हो पाए तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ लाइफ तो इट्स अबाउट प्रीएम्प्टिंग एनी सच डिजास्टर ठीक है then you have to ensure in the phase of preparation preempt khartha prepare karte ho. prepare preempt prepare and when it strikes okay, then you have to focus on a key area which is your response and after response there is recovery response and स एंड देन यू टॉक अबाउट रिकवरी यह आप इस इमेज से भी बना सकते हो कहने का मतलब करने से पहले डिजास्टर करते टाइम एंड पोस्ट दैट हाउ विटी रिकवर हाउ विल द गवर्नमेंट ऑफ द प्लानर्स विल इंश्योर दैट डिजास्टर की वजह से जो क्राइसिस आई है उसको कैसे मैनेज किया गया और इवेंचुअली उसके बाद क्या स्टेप्स लिए गए तो फाइड इट आउट और दिस आर फोर स्टेप्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट विच हैव टू फोकस ऑन तो ऑलरेडी हमें पता है ग्लोबल फ्रेमवर्क एंड आई फ्रेमवर्क है इंडिया का अपना ये एनडीएमपी की बात हम करें तो यहाँ भी अगर आप प्रीएम्प्ट करने की बात करते हो तो आप इन चार चीज़ों को डिस्कस करोगे ही करोगे जब भी आप डिस्कस करें इस चीज़ को तो प्रीएम्प्ट की जब हम बात करेंगे तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमने इस्टैब्लिश करने की कोशिश की ताकि हम और बेहतर इफिशेंटली इवेक्एशन कर पाए इसमें आप प्रीएम्प्ट करने की बात आप देखो तो

री स्टेबलाइज द लाइफ ऑफ पीपल तो वो एग्जाम्पल यहाँ पर इजिली आप मैंशन कर सकते हो कि अगर आप के पास अर्ली वॉर्निंग सिस्टम्स हैं तो आप काफी ईजिली इन चीजों से लड़ सकते हो देन द पॉइंट इज जब हमने प्रीएम करने की बात की के बाद आप प्रिपेयर की बात करें तो प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए भाई प्रिपेयर करने के लिए हमको लोग चाहिए जो ट्रेंड हों जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन करके रखी हो जिनको पहले से पता हो क्योंकि आप प्यास लगने के टाइम में कुआं नहीं खोद सकते अब कुआं पहले से रखना पड़ेगा ताकि जब प्यास लगे तो पानी आपके पास हो सो इवेंचुअली दैट्स वी हैव इन्श्योर्ड कि अब हम एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखेंगे सो इन टर्म्स ऑफ प्रोएक्टिव अप्रोच यू हैव कैन मैंशन आपदा मित्र आपदा मित्र बनाए गए थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे ब्लॉक लेवल्स पे सो दैट दे आर लाइक वॉलंटियर्स दे आर ट्रेन इन केस ऑफ डिजास्टर स्पेसिफिकली जो ज्यादा डिजास्टर प्रोन एरियाज है वहाँ पर उसके लिए अपने प्लानिंग करी फिर अपने प्रिपेयरनेस के हिसाब से स्पेसिफिकली जो है एक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बनाने के लिए आपने बेहतर कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया ताकि जो आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस हैं एनडीआरएफ की बात कर लो या स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम्स जो हैं वो तैयार रहें और वो कोऑर्डिनेट कर पाए इन केस ऑफ एनी सच कंसर्न तो देखो आपने वॉलंटियर्स बना दिए कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी लोकल लेवल पर जो आपके आपदा मित्र हैं उनसे आपने कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बढ़ा ली प्रिपेयर के फेज में भी आपने यहाँ पर काम कर लिया देन आफ्टर प्रिपेयर यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन एज वी डिस्कस्ड प्रिपेयर के बाद हम देखें तो रिस्पॉन्स एंड रिकवरी सो वेन इट स्ट्राइक्स रिस्पांस और प्रिपेयरनेस के एस्पेक्ट में आप यहाँ पर जो आपकी फोर्सेज हैं उनका एग्जाम्पल आप दोगे कि भाई जो एन डी आर एफ है उसको इस्टेब्लिश किया गया स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेज क्रिएट किए गए जो कि इन एनी केस ऑफ सच एन इवेंट दे कैन कम फॉरवर्ड ठीक है फिर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बिल्ड किया जो कि रिस्क मिटिगेशन के ऊपर काम करता है यू हैव रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली साइलो नेशनलोनिगेशन प्रोजेक्ट जो काफी सक्सेसफुल भी रहा है एम्बैगमेंट्स वगैरह बनाने में तो इस तरह से आप कोशिश करें कि यहाँ पर हर तरह से आप रिएक्शन uh, के बाद रिकवरी के ऊपर भी काम करें जो आपकी स्मार्ट सिटीज़ हैं उनमें आपने डिजास्टर रिजिलियंस को भी फोकस किया है कि जो प्रपेयरनेस का गोल है उस पर अप्रोच की जाएगी ये तो बातें होंगी चारों लेवल पर कि भाई कैसे रिकवरी होगी क्या प्रपेयरनेस होगी प्रीएम कैसे करोगे आपने ये चारों पॉइंट डिस्कस कर लिया क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्किंग प्रपेरनेस और रिस्पॉन्स के बीच का गैप गैप क्या है गैप सबसे बड़ा यह कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत कम है लोकल नॉलेज कम यूज नहीं करते प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में लोकल कम्युनिटीज का रोल नहीं रहता एंड ऑफ लोकल कम्युनिटीज आर मोर अवेयर ऑफ द टाइम फ्रेम इन विच एनी डिजास्टर माइट स्ट्राइक फॉर एग्जाम्पल इन वेरियस एरियाज ऑफ लेट्स नॉर्थ ईस्ट यू कैन टॉक अबाउट वेस्टर्न यूपी बिहार वेस्ट बंगाल इन दिस रीजन पीपल ऑलरेडी नो कि किस मौसम में बाढ़ आने की संभावना सर्वाधिक होती है किस नदी के ऊपर बिकॉज वो लोग वहाँ रहे हैं सालों साल सो दे कैन रियली जज बाय द लेवल ऑफ वाटर इन देयर फील्ड्स जो उनके खेत होते हैं कि भाई कितने लेवल पे पानी की समस्या आ सकती है यू हैव टू ऑगमेंट दैट दैट एक्सपीरियंस दैट कैन बी यूज टू फाइट सच हजार डिजास्टर्स वहां पर जब तक हम उसको मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे वो कम्युनिटी लेवल एंगेजमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरनेस प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन जब तक नहीं अगर अब तक हम अपनी रिसोर्स का पूरा यूज़ नहीं कर पाएंगे हमने केरला में इसका सही इस्तेमाल किया ठीक है उड़ीसा में किया हमें हर जगह इसका इस्तेमाल करना चाहिए प्लस द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज आपने पी बना दिया लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पास क्या पैसे हैं हर जगह कहानी की आती है फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स तो इन एडवोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज ये हर जगह आपको इस्तेमाल करना है अपने आंसर्स में देखो भारत में ना चार दिक्कतें हर जगह रहेगी रहेगी एक फाइनेंशियल रिसोर्सेस ठीक है लैक ऑफ जिसे आप कह सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा डिसेंट्रलाइजेशन की कमी देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट विद इन दैट देर आर ऑफन द कंसर्न ऑफ कोऑर्डिनेशन क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कंसर्न होंगे दे विल ऑलवेज फाइट ओवर दिस कि भाई कोऑर्डिनेशन नहीं है कोऑर्डिनेशन नहीं है वो कंसर्न कंसिस्टेंट हर डिपार्टमेंट में रहेंगे एंड इवेंचुअली यू कैन टॉक अबाउट सेंट्रलाइजेशन की बात कर लो यहां पर क्योंकि हम एनडी एम की बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि एक स्पेसिफिक कंसर्न और आपको दिखेगा कि जो मैकेनिज्म्स हैं जो मेजर्स हैं वहां पर आप नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स के ऊपर कम फोकस देते यानी आप पब्लिक अवेयरनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर uh, बिल्डअप की बात अगर कर कर uh, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है सो बहुत टाइम लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में और वो एक प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे अडेप्ट की जाती है नेशनल लेवल पे बट इफ यू मेक पीपल अवेयर इफ स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे इफ योर स्टूडेंट्स एंड इफ योर कम्युनिटी लेवल जो कार्यकर्ता है गवर्नमेंट के वो या जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं इफ दे आर वेल प्रिपेयर्ड इफ दे आर अवेयर ऑफ द चैलेंजेस इफ दे आर अवेयर ऑफ व्हाट स्टेप्स टू टेक इन सर्टेन केसेस ट कर सकते हैं इन चीज़ों को बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इवेक्ेशन क्या होती है फर्स्ट एड कैसी दी जाती है किस तरह की डिजास्टर uh, में क्या स्टेप्स लिए जाते हैं दीज आर योर नॉन स्ट्रक्चुर अभी तक जो हमारा डिजास्टर रिडक्शन का जो हमारा फोकस है वहां पर इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है विच हैज टू बी मेन स्ट्रीम डिफी मेन स्ट्रीम नेम दैट वी कैन वी आर इन ए सीनैरियो जहाँ पर हम इससे लड़ सके तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये यह की एरियाज हैं जिनको अभी तक जिस तरह से हम कह सकते हैं रेक्टिफाई नहीं किया गया अब अगर वे हेड की बात करूँ कंक्लूजन में तो हमारे पास इतना स्पेस नहीं कि हम सब कुछ डिस्कस करें जर्नली आपको वही डिस्कस करना पड़ेगा जो चैलेंजेस थे वी हैव टू इंश्योर दैट वी प्रोपायर प्रॉपर फाइनेंशियल मैकेनिज्म And advocate financial aid to different institutions engaged in fighting and working in disaster management. We need to make behavioral changing changes, institutional changes, structural and non-structural mechanisms have to be adapted along with proper information sharing, data sharing, coordination, and effective, proactive. कम्युनिटी लेड प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स तभी आप यहाँ क्या चार पांच या छह पॉइंट बोले छूज किए हर वर्ड एक की टर्म हैल कंक्लूजन इज प्राइमरलीयर ठीक है तो उससे आप बेहतर चीजों को डिफरेंट आस्पेक्ट को डिस्कस कर पाओगे कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिन टू वट एक्सटेंट सॉरी ये तो वही क्वेश्चन है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कोऑर्डिनेशन की बात की थी मैंने वो सारे के सारे वहीं पे आ जाएंगे नेक्स्ट रोल ऑफ कम्युनिटी डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया हाउ डज द नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 सपोर्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड पार्टिसंस बिल्डिंग अब देखो एनडीए एनडीएमए है 2005 का इट इज अगेन अ वेरी लैंडमार्क ऑफ से उससे पहले हम ये लैग कर रहे थे तो ये जो है, ये है कि क्या करते हैं क्या रोल है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का और कैसे ये सपोर्ट करता है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट को हमने कुछ एग्जांपल ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए हैं सो यू कैन यूज दैट टू फर्दर शोकेस दैट हाउ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और कम्युनिटी एंगेजमेंट इज एसेंशियल टू फाइटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट और सॉरी इन फाइटिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिजास्टर एंड इन इन केस ऑफ एनी रेस्क्यू ऑपरेशन और इन और इन बिल्डिंग रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एनी एनी सच थिंग तो यहाँ पर आप तीन चार चीजों के ऊपर फोकस करते हो लोकल कल्चर ठीक है लोकल कल्चर से आप क्या सीख सकते हो लोकल कल्चर से क्या मिल रहा है लोकल नॉलेज या फिर आप कह सकते हो यहाँ से आपको मिलेगी ट्रेडिशनल नॉलेज additional knowledge and practices okay plus community engage community planning and engagement so if you involve your grassroots देन वी कैन क्लियरली सी कि हम क्या स्टेप्स यहाँ पर ले सकते हैं ठीक है तो कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेज सिस्टम की जब हम बात करते हैं वहां पर आप कर क्या रहे हो डिज़ास्टर रिडक्शन में ट्रेडिशनल जो लोकल नॉलेज है ट्रडिशनल नॉलेज बेस है उसका इस्तेमाल कर रहे हो अपनी कम्युनिटी प्लानिंग में उसको एड ऑन कर रहे हो मॉडर्न साइंटिक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो आपका रिस्पॉन्स अप्रोच है उसको साथ लेकर चल रहे हो तो वो जो आपकी एनडीएमए की अप्रोच है वो इसी के ऊपर फोकस कर दिए तो एनडीएमए में क्या कर रहे हो पहले आप लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर कर रहे हो तो हाउ यू आर एम्पावरिंग दैम हम कोशिश करने की प्रियम्प्ट करने में जो उनकी प्रैक्टिस है उनको भी ले आए पर वहां पर अभी स्कोप कम है जो हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया तो इफ नॉट एटलीस्ट इन प्रीएम्प्टिंग एनी डिजास्टर एटलीस्ट इन द फेस ऑफ प्रिपेयर्डनेस वी हैव टू इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटी दे आर योर बैक बोन टू फाइट इन केस ऑफ अ डिजास्टर सो यू नीड दैट एंड दैट इज वाई इस प्रोग्राम के अंदर आपदा मित्र की जो आपने बात की आपदा मित्र आर्ट मित्र जो है उनको ट्रेन किया जाता है फॉर दैट परपज्सो ओनली टू अफेक्टिव रिस्पॉन्स एंड एंश्योरिंग लोकल एंगेजमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इसी में आप जैसे लोकल नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो लोकल लोगों का इस्तेमाल कर रहे हो कम्युनिटी प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर रहे हो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वहां पर आप साइक्लोन वार्निंग्स को डिसिमिनेट कर रहे हो टू द लास्ट पर्सन देर ताकि दे कैन बी प्रिपेयर दे दे आर प्रिपेयर आप तो अपने टेक्नोलॉजी का सारा भी लेना स्टार्ट कर दिया है सोशल नेटवर्क का एग्जाम्पल लिया जा रहा है जहां पर कंसिस्टेंटली अगर फ्लड्स आते हैं तो यू कैन मार्क योर सेल्फ सेफ फेसबुक पे खासतौर पर यह था मार्क सेफ कि भाई मैं अगर कोई ऐसा रीजन है जहाँ पर आप रहते हैं क्योंकि सोशल मीडिया को सब पता है जहाँ पर फ्लड्स आए हुए तो यू कैन मार्क योर सेल्फ सेफ सो देट पीपल अराउंड यू विल रियलाइज ओके ही और शी डज नॉट हैव एनी थ्रेट और ये सेफ़ है इस डिजास्टर में कहीं फंसे हुए नहीं है वो वो चीज़ें दिखा रही हैं कैसे आप टेक्नोलॉजी का बेस्ट उपयोग कर सकते हो सो ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजीज टू इन्श्योर डेट यू रीच अ लेवल वे यू कैन फाइट एनी सच चैलेंज एंड प्लस यू कैन बिल्ड रिजिलियंस टू ट्रेनिंग आप ट्रेनिंग और ड्रिल्स की बात कर सकते हो फिर आपकी एनडीआरएफ है जिसको आपने और ज्यादा बढ़ाया है ताकि कम्युनिटी को आप प्रिपेयर भी कर पाओ लेकिन आपके पास एक प्रॉपर फोर्स भी हो तो इन आस्पेक्ट पर आप फोकस कर रहे हो जहां पर एनडीएमए की बात करें तो एक लीगल मैंडेट दिया कि भाई कम्युनिटी एंगेजमेंट तो करनी ही करनी है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने की बात करी जो लोकल कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलती है ताकि जो रिस्पांस है वो लोकलाइज रहे लोकलाइज रहे रेलिवेंट रहे और जहां जो एक रीजनल कंसर्न है उसके ऊपर फोकस करें जहाँ पूर्वा मेदनीपुर का एग्जाम्पला ले लो वेस्ट बंगाल का जहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ को जिन्होंने यूज़ किया था जब यास साइक्लोन आया था वहाँ पर टू तो फाइट और काफ़ी सक्सेसफुल रहा था ये मेदीनीपुर का एग्जाम्पल काफ़ी सक्सेसफुल रहा था ये तो इस तरह के प्रैक्टिसेस हमें यूज करने पड़ेंगे ताकि हम बेहतर लेवल पे आ पाए जिसमें आप उत्तराखंड में जो केदारनाथ डिजास्टर आया था वहां पर आप कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हो इवन रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात जब आप करते हो तो वहां पर कम्युनिटी एंगेजमेंट एसेंशियल और एनडीएमए में उसके ऊपर फोकस भी किया गया इंक्लूसिव प्लानिंग के ऊपर फोकस किया गया इंक्लूसिव प्लानिंग इस तरह से कि जो चिल्ड्रन है जो वुमेन है जो एल्डरली है किसी ज्योग्राफी के किसी एरिया की उन पर क्या इंपैक्ट है हाउ टू प्रायोरिटाइज देम इन सर्टन सिनारियज तो वो भी फोकस किया गया है तो ग्रास रूट लेवल प्लानिंग एंगेजमेंट एंड देयर एसोसिएशन इज वेरी एसेंशियल दैट इज इन प्लान इन इंडिया में एंड यू दिस इज समथिंग विच यू हैव टू फर्दर इंप्लीमेंट एंड फर्दर इवॉल्विथ दाइम ताकि आप बेहतर अप्रोच यहाँ पे रख पाओ यही कोशिश इस पूरे आप फ्रेम फ्रेमवर्क में कर सकते हो जहां पर कोशिश की गई कि इन आस्पेक्ट के ऊपर फोकस करते हुए हम काम करें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वलनेबिलिटी मैपिंग इज अ क्रूशल टूल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक्सप्लेन इट्स कॉम्पोनेट्स एंड टेक्नोलॉजीज हाउ कैन इट बी इंटीग्रेटेड विद अदर स्पेशल प्लानिंग टूल्स फॉर इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट पहली बात सिंपल है वल्लेबिलिटी मैपिंग की बात की है कि वलनेबिलिटी मैपिंग कैसे इफेक्टिव टूल हो सकता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का यहां पर आप अर्थक्वेक जोन की एक इमेज बना सकते हो कि भाई एक आपने फिगर बना लिया जहां आपने अर्थक्वेक जोन दिखा, दिखा दिया जब आप अर्थक्विक जोन दिखाई रहे हो तो मान लो आपने कोस्ट लाइन को दिखा दिया यहाँ आपने वाले दिखा दिया तो वो आप यूज कर सकते हो शो केस की हाउ वॉलेबिलिटी असेसमेंट इज एसेंशियल स्पेसिफिकली यहां अर्थक्वेक का एग्जाम्पल तो पूरी तरह प्लेस कर ही सकते हो तो आपको यहाँ दिखाना है कि कैसे की कैसे इंपॉर्टेंट है वो उसको आप कैसे स्पेशल प्लानिंग टूल्स में इस्तेमाल कर सकते हो फॉर इफेक्टिव इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल और बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपको वेलेबिलिटी जो मैपिंग है उसमें क्या होता है अर्ली वार्निंग रिस्क रिडक्शन प्रिपेयर्डनेस रिकवरी सॉरी रिस्पांस रिकवरी पांचों पे फोकस होता है कम रिस्पांस टाइम होता है आपके पास तो हाउ क्विक रिस्पांस रेस्क्यू ठीक है प्लानिंग प्रपेयरनेस इन सब पे फोकस एंड इट गिव्स यू द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉग्राफी सो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द चैलेंज दैट पर्टिकुलर जोग्राफी फेसेस इफ यू आर इन वेस्ट बंगाल और उड़ीसा यू डोंट हैव टू प्रिपेयर दैट मच अबाउट यू कैन से क्लाउड बर्स्ट वहां पर नहीं आते वहां पर साइक्लोन आएंगे असम और बिहार में वहां बाढ़ आएगी अर्थक्वेक आ सकते हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर दैट रिस्क इन्वॉल्व हाउ वेबल इज अ पर्टिकुलर जोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन प्लान प्रोएक्टिवली एंड प्लान इफेक्टिवली यू हैव काउंट मेजर्स सो मैंने जैसे बोला आप वो इंटरव्यू में डालने के बाद एक मैप शो करके आप अगर अर्थक्वेक के डिफरेंट जोन्स को वहीं पर डिफाइन कर देते हो तो वो आपको हाई रिस्क एरिया आइडेंटीफाई करने में रिसोर्स एलोकेशन में एफिशिएंट प्लानिंग में मदद करेंगे कम्युनिटी रिजिलियंस बिल्ड करने में मदद करेंगे आपको बेहतर पॉलिसी डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे पॉलिसी डेवलपमेंट का काम करने का कैसे होगा एग्जाम्पल जैसे गुजरात में भयंकर अर्थ कोएक आया था आई थिंक दो में उसके बाद से उन्होंने अपने बेसिक करिकुलम में पार्ट बना लिया कि भाई जब अर्थ को एक प्रोन जो इलाके हैं वहाँ पर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है जो हाउसेस हैं उनका जो बिल्डअप है अगर आपको पास कराना है तो आपको कुछ बेसिक कोर्स है जो कंस्ट्रक्शन के कोर्स हैं उनमें आपने अर्थ रिजिलियंस को पार्ट बना दिया अगर आप देखें ऐसे इलाके जहां बहुत ज्यादा बाढ़ या साइक्लोस आते हैं तो आपको घर को ऐसा बनाना पड़ेगा विच कैन विदस्टैंड दैट तो वो आप तभी कर पाओगे जब आपके पास पहली अवेयरनेस है वेयर यू आर एंड वॉट इज द चैलेंज दैट्स वाई सपोर्टिंग पॉलिसीज इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफाइंग गैप एंड देन इंश्योरिंग दैट यू हैव बेटर रिस्पॉन्स टीम्स ठीक है क्योंकि आपको पता है मान लो वेस्टर्न घाट्स में केरला पड़ता है ठीक है सो इन वेस्टर्न घाट्स लैंडस्लाइड्स बहुत होती हैं स्पेसिफिकली अब जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप बढ़ा रहे हैं अर्बनाइजेशन बढ़ रही है तो लैंडस्लाइड्स की अपॉर्चुनिटी लैंडस्लाइड्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाने हैं तो वहाँ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वी कैन आइडेंटिफाई दैट वलेबिलिटी ऑफ रीजन इज वेरी हाई सो वी कैन हैव आर स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर्ड ऑपरेशनल टीम्स प्रपेयर टू मिनिमाइज द कैजुअलिटी एंड डैमेज यहाँ पर क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं तो पहले आप करते हो क्या हजार्ड असेसमेंट मैंने अर्थक्वेक के एग्जाम्पल इसलिए दिया कि बहुत ईजी वहाँ पर आपको पाँच के पाँच जोन है आप डिफाइन कर सकते हो जहाँ भारत ने जोन वन से सबको हटाई दिया क्योंकि हमें लगा था डेक्कन का जो इलाका है वहाँ कभी अर्थक्वेक नहीं आ सकता बट इवेंचुअली भी रियलाइज कि नहीं यहाँ भी अर्थक्वेक आ सकते हैं जोन टू जोन थ्री जोन फोर जोन फाइव आप इस लेवल पर बात कर सकते हो तो इससे आपको फिजिकल सोशल इकोनॉमिक एसेट क्या क्या रिस्क है उसका पता लगता है आप एक सेंसिटिविटी तरीके से जो एक लेवल को कितना इंपैक्ट कर सकते है किसी कम्युनिटी को उस पर फोकस करते हुए कितने एग्रीकल्चर पर उनकी मान लो कहीं पर फ्लड्स आने वाले हैं फ्लड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है फ्लड्स के चांसेस बहुत ज्यादा हैं दैट रीजन इज वेरी प्रोन टू बीइंग फ्लडेड एंड पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सो इफ द फ्लड कम्स और उसके साथ ऐसी मिट्टी आई जहां खेत बर्बाद हो गए सो दैट कम्युनिटी विल नीड मॉर असिस्टेंट असिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम जस्ट बींग इवेकुएटेड ड्यूरिंग फ्लड्स बिकॉज उनके बाद उनकी जमीन उर्वरक ना रहे शायद इट विल नॉट गिव दिन दील सो दे हैव टू बी सपोर्टेड इन दैट डायमेंशन एज वेल तो वो सभी एरियाज जो हैं उनके बारे में भी हमें एक सोच रखनी जरूरी है तभी जाकर हम इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर रह सकते हैं इसीलिए बहुत रेलवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि आपके पास एक कैपैसिटी वेल्यूएशन हो आपके पास एक प्रॉपर इंडेक्स हो जैसे ई डी आर आई का इंडेक्स होता है कि कौन से हजार कहाँ हैं कितने क्या एफर्ट्स लेने हैं इंटीग्रेशन की बात करें तो हमने बात करी स्पेशल प्लानिंग टूल्स की स्पेशल प्लानिंग टूल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं अब तो इसरो इतनी आगे बढ़ गई है जी जीआईएस बेस्ड मैपिंग है आपके पास आप चीज़ों को फ्रॉम योर स्पेस इट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग की बात हो गई मैपिंग की बात हो गई सेंसिंग टेक्नोलॉजी की बात आ गई इंडेंशन जोन की बात आ गई वहाँ पर आप ईजिल इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके इनसे लड़ सकते हो तो ये कोशिशें लगातार होनी चाहिए हमारी और यही एग्जाम्पल है कि रिमोट सेंसिंग जी सिस्टम ताकि आप जो थ्रेट है उसको आइडेंटिफाई पहले ही कर पाए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए अर्बन प्लानिंग कर पाए आप बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स क्रिएट कर पाए स्पेसिफिकली फ्लडिंग की बात अगर हम करें या हम अर्थ को एक को तो रखिए साइक्लोन्स फ्लड्स यू हैव योर चांसेस ऑफ Observing that you have your chances of mapping them even before they are they have really wrecked havoc. क्योंकि आपको पता होता है कि ये होने वाला है, तो वहाँ पर आप बेहतर तरीके से prepare कर सकते हैं, prepare कर सकते हैं, mitigate कर सकते हैं। तो that is something which we should always prepare on. जिसका example आप GIS mapping satellite images के साथ कर सकते हैं। तो हम ये क्षेत्र में यहाँ पर discuss कर सकते हैं। Moving on to next question, climate change is in intensifying the frequency and severity of disasters in India.

हमने तब से डिस्कस यही कर रहे जा रहे हैं हम क्लाइमेट रिजिलियंट कम्युनिटीज हम कैसे बिल्ड करेंगे थिंग्स हैव टू बी दोस्कस राइट तो हाउ विल वी हैव दैट कम्युनिटी और दैट प्रोग्राम विच कैन विद स्टैंड एनी सच चैलेंज तो इफ यू लुक एट दिस कोर डिमांड हाउ क्लाइमेट चेंज इज इंटेंसीफाइंग इट्स फ्रीक्वेंसी कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल्स यू कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ड्राउट्स यू कैन गिव एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लड ठीक लैंड स्लाइड साइक्लोन्स अब तो अरेबियन पेनसुला में साइक्लोन्स आने स्टार्ट हो गए क्लाइमेट चेंज हैज इंसटेंसीफाइड डिजास्टर्स विच वी आर फेसिंग देन ड्यू टू दिस इंक्रीज इन डिजास्टर्स ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज वी हैव टू ऑल्सो इंश्योर दैट आर मिटिगेशन मेजर्स आर रिस्पॉन्स टू डोज डिजास्टर्स बी अपडेटेड एंड दैट डिस्क मैनेजमेंट इज वेरी असेंशियल की हम उसको भी अपडेट करें एंड फाइनली यू हैव टू डिस्ट स्ट्रैटजीज टू बिल्ड क्लाइमेट रिजिलियंट कम्युनिटीज बिकॉज कम्युनिटीज आर यू आर बैक बोन ऑफ फाइटिंग एनी डिजास्टर बिकॉज इट गिवस दैम बेटर यू नो यू कैन प्रिपेयर दैम बैटर आपदा मित्र की हम बात करते हैं एंड दे विल बी एबल टू हैव अ क्विकर रिस्पॉन्स देन प्रॉपर ऑर्गनाइजेशन स्ट्रक्चरएफ की फोर्स जब तक लेके आएंगे कम्युनिटीज आर देयर सो दे कैन वेरी इजली हैंडल इट तो यहां पर जब आपने पहली बात क्या इंट्रोडक्शन में करना क्या है सो so, लेट्स अगर हम बात करें इंट्रो इट सेल्फ यू कैन डिस्कस एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स में आप प्लेस कर सकते हो स्पेसिफिकली साइक्लोन्स अंफाल की बात कर लो फ्लड्स ठीक है केरला की बात कर लो चेन्नई की बात कर लो हालांकि हमारा भी दोष है बट क्लाइमेट चेंज इज फर्दर इंक्रीजिंग इट देन यू कैन टॉक अबाउट

Now the question is saying how it impacts our disaster management practices. So implications of this. So climate change has led to increase in uh, you know temperatures. It has led to more uh, disasters taking place, and that is why we have to adapt. अकॉर्डिंग टू दैट एंड वी कैन अडेप्ट बाई हैविंग अ प्रॉपर सिस्टम जहाँ पर हमारी कम्युनिटीज प्रपेयर हो तो आप यहाँ एक ही एग्जाम्पल बोला हीट वेवस का वो बढ़ गया सौ सालों में सरवाद देखा गया मानसून रेवस एरेटिक मानसून रेज आती है इसकी वजह से फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं और कहीं कहीं पर डाउट बहुत ज़्यादा आते हैं एल लीनो लालिनो का एग्जाम्पल आप देख सकते हो सी राइज की बात कर सकते हो जहाँ पर कहा जा रहा है जैसे मालदीव से लेकर मुंबई तक के डूबने के चांसिस हैं मैनग्रूवी को सिस्टम जो आपका लड़ सकता था वो भी

इट हैज बिकेम अनप्रडिक्टेबल एंड दैट अनप्रडिक्टेबिलिटी हैजू बी फॉट ऑफ अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे उससे हमें लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है यू कैन डिस्कस हाउ क्लाइमेट इंड्यूज डिजास्टर्स हैव इम्पेक्टेड सोसाइटीज जहां पर जो माजलाइज सेक्शन है दे हैव बीन इम्पेक्टेड द मोस्ट वुमेन चिल्ड्रेन एंड एल्डरली फेस दर्स्ट ऑफ द डिजास्टर्स एंड दे है you know, withstand the biggest challenge. Plus, according to the various data that because of less resources being with the marginalized communities, marginalized they you can give us due to the less number of you can say resources in their hands, they are the worst affected by any such floods or any such disaster. So we have to prepare them specifically to plan our social policies विद देम इन माइंड एज वेल तो वो उनके लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं जैसे ग्लेशियल ब्रस की बात करो चमोली डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर जो रिमोट इलाके में रहते थे उनके पास ऐसे ही संसाधन नहीं थे तो और बुरी तरह फंस गए इंडिया के एग्रीकल्चर पर प्रभाव पड़ रहा है प्रोडक्शन इज इज ऑन द राइज दो डिफरेंट जोग्राफीज आर फेसिंग डिफरेंट थ्रेट्स ड्राउट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो इसकी वजह से कई इलाकों में प्रोडक्शन ठप पड़ रहा है हमारी वाटर टेबल डाउन जा रही है ड्राउट्स बढ़ रहे हैं ग्लेशियल आउट बढ़ रहे हैं लैंडस्लाइड बढ़ रही है अवलांचेस बढ़ रहे हैं तो दीज आर इंपैक्टिंग योर वेरियस सेक्शन सोसाइटी योर पॉलिटी योर इकोनॉमी, ऑल थ्री आर गेटिंग इंपैक्टेड। पॉलिटी में एक्जाम्पल आप दोगे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ चैलेंजेस अर्बन फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है मुंबई दिल्ली में चेन्नई में यू कैन टॉक अबाउट इकानमी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो रहा है यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ रीबिल्डिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर विच गेटिंग विच इज गेटिंग इम्पैक्टेड बाई दिस डिजास्टर्स मॉर ऑफर देन नॉट प्लस यू हैव टू री एसेस एंड रीप्लानी और स्ट्रैटेजीज़ इन तीनों तो लेवल पर आप बात कर सकते हो अब क्या करेंगे भाई इसके लिए तो हमें पहले क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर बनाना पड़ेगा एग्जाम्पल आप ले सकते हो यूपी बिहार का जो फ्लड रीजन है वहाँ से पंजाब हरियाणा को आप स्विच कर सकते हो अर्ली वार्निंग सिस्टम आपको बेहतर करना पड़ेगा रडा नेटवर्क को स्टेप यूज़ करना पड़ेगा स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपके पास बेहतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेहतर आपको टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करना पड़ेगा डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा जहाँ से आप बेहतर रेस्क्यू और प्लानिंग के ऊपर काम कर पाओ डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफी देन यू हैव टू फोकस ऑन कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अर्बन प्लानिंग की बात आप कर लो बहुत बेसिक से क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है सब तो इन सभी एरियाज पे हम देखें तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हम काम कर सकते हैं बट द पॉइंट इज हाउ यू कैन एनहानस दिस आंसर वट इफ यू एक रफ सा मैप बना के आप वहाँ पर उसको अगर शो कर दो तो भाई ये एरियाज हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे काम होने चाहिए तो इट विल अपेयर अ मोर होलिस्टिक दैट

सिव मेजर है ना लैंड स्लाइड्स आर इन न्यूज बिकॉज इन हिल एरिया स्पेसिफिकली लाइक चारधाम जो प्रोजेक्ट है उसमें आप कनेक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहे हो तो यू आर फोकस्ड ऑन कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमी क्योंकि एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद और ज्यादा टूरिस्ट जाने लग जाएंगे तो वहाँ पर देखा ही गया हिल एरियाज में इट हैज़ लेड टू क्रिएशन ऑफ अ सिनेरियो जहाँ द इकोसिस्टम आर आर फेसिंग सो मेनी टूरिस्ट जो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है उस जोग्राफी के लिए सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑन दैट रीजन तो अगर हम यहाँ देखें तो इसको हमें कम करने के लिए हिल एरियाज में वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन आर पुश इंफ्रास्ट्रक्चर पुश योर इकोनॉमी पुश विथ द इनवायरमेंटल कंट्रोल तो हमें इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम जैसे आप एग्जांपल भूटान का ले सकते हो यहाँ लैंडस्लाइड इंक्रीज क्यों हो रहे हैं इंडिया में तो यहाँ पर बात यह है 15 परसेंट जो इंडिया का लैंड मार्क्स है लैंड को लेकर वेलरेबल है स्पेसिफिकली इन हिली एरियाज तो अब इन रिसेंट टाइम्स Building of roads, increasing our connectivity to the remotest cor corners of India, in the hilly regions as well, to give the last mile connectivity. We have ensured that accessibility has increased, people have more access to jobs and opportunities. But it has created to created a scenario which it has put that region as at an environmental risk, which is leading to a lot of l loss of lives. एंड हायर फैटिलिटीज़ रेट एग्जाम्पल बिंग उत्तराखंड टर्नल कोलेप्सिस की बात कर लो लैंड स्लाइड्स की बात कर लो विच हैज़ लेट टू डिसमेंट कम्युनिटीज डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र की बात कर लो आप पालघाट के आसपास भी एक लैंड स्लाइड आया था सो दैट हेज लेट टू लॉर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यू नो हाइट एंड स्ट्रेस ओवर दैट जोग्राफी सो ये आपने डिफाइन कर लिया कि भाई क्यों हो रहा है सिक्किम का ग्लेशियर आउटबर्स की बात कर लो सिक्किम के लैंडस्लाइड की बात कर लो लद्दाख का एग्जाम्पल आप ले लो ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज मूवमेंट ऑफ पीपल इन टू दैट फ्रेजाइल इको सिस्टम तो द पॉइंट इज वॉट इज लीडिंग टू इट तो आप यहां बात करोगे और जो इंटरवाइनिंग फैक्टर्स है जहां पर आप रेनफॉल डिफोरेस्टेशन इंक्रीज यू कैन से मोर एंड मॉर लोड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर ज़्यादा पुश लोगों का और ज़्यादा चीज़ों का पुश जो जहाँ पर हो रहा है इसकी वजह से रिस्क बढ़ता जा रहा है सबनेक्टिविटी बढ़ गई है अर्बन प्लानिंग की बात कर लो क्लाइमेट चेंज की बात कर लो तो ये सब रीज़न जो बेसिक रीजन है जिसकी वजह से वेदर पैटर्न बदल रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थ्रेट बढ़ता ही जा रहा है तो हाउ विल वी काउंट दैट काउंटर मेजर्स में जो हमने बेसिक चैलेंजेस दिए डिफॉरेस्टेशन तो काउंटर मेजर्स क्या होगा ईफॉरस्टेशन रिफॉरेस्टेशन लोकल प्रैक्टिस एंगेजिंग लोकल कम्युनिटीज इंश्योरिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ़ लोकल पीपल इन योर प्लानिंग सो दैट यू आर प्रपेयर इन सच अ वे इन एनी केस की अगर कोई भी खतरा वहां पर उत्पन्न हो तो आपके पास वो कैपेसिटी हो टू फाइट इट आउट तो आपकी पॉलिसी प्लानिंग रिस्पॉन्स ये सब उसी हिसाब से मैनेज होना चाहिए लैंड यूज प्लानिंग की बात करो अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात करो जिन भी एरियाज को भी देख हमने डिस्कस किया इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां तो इन्फ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस की बात कर लो वेलेबिलिटी मैपिंग की बात कर लो बेहतर लैंड यूज लोकल कम्युनिटी की इंगेजमेंट देन यू कैन डिस्कस कि हाँ इन एरियाज पे अगर आप काम करते तो यू रियलाइज दट ओके वी आर नाउ प्रिपेयर्ड एंड वी कैन काउंटर द चैलेंज अकॉर्डिंगली देट हैज द स्टेप्स विच कैन भी टेकन टू इन्श्योर इन अ बेटर वे तो ये थे आपके आज की डिस्कशन डिजास्टर मैनेजमेंट की मैंने आज ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा टाइम नहीं लिया इस डिस्कशन में आपका क्योंकि क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉर्वर्ड थे यू नीड टू एड ऑन यूर स्टेफ एंड यू है ऑन द क्वेश्चन जो आज का हमारा क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं वो है ये जो एक अच्छी कॉपी हमें देखने को मिली यू कैन डिस्कस यू कैन सी यू कैन डाउनलोड दिस एज वेल जहाँ पर उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की है जैसे इकोनॉमिक लिबराइजेशन के पे उन्होंने तो फोकस किया तो क्या इशूज हैं वो उन्होंने डिस्कस करने स्टार्ट किए लेकिन उन्होंने डेट नहीं लिखी नाइनटीन से स्टार्ट करना चाहिए था प्लस कई जगह पे जो बॉक्सिंग किया उसको और भी इम्प्रूव कर सकते थे अपने एग्जाम्पल को सब्सटेंशिएट कर सकते थे दिल्ली मुंबई जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने फोकस किया है कि भाई कैसे इनकम uh, इनक्वालिटी बढ़ रही है तो अगर इफ यू कैन गिव अब इट कैन बी इन एन बेटर वे कुछ और आप बैलेंस्ड आंसर ले सकते रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में हालांकि दो इट इज अ वेरी गुड आंसर जो इसके रिव्यूज हैं वो हमने ऐड कर दिए इसके साथ यू कैन लुक एट दीज क्वेश्चन दीज आंसर्स एंड थिंग्स विच कुड भी एंड एंडहानस हैज़ बीन एडिड इन दिज आंसर सो आप यू कैन गो बैक एंड लुक एट दिस आंसर की स्ट्रक्चर कैसे करना है फीडबैक हमारा क्या है वो आप देख सकते हैं प्लस यू कैन ऑल्सो यू शुड स्टार्ट राइटिंग एंड अपलोडिंग योर आंसर्स यूल कीप ऑन राइटिंग यू विल बीन अ पोजिशन जहाँ से आप बेहतर प्रपेयर चीज़ों को कर पाओ तो आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा आज के लिए तो नहीं देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कीप ऑन वॉचिंग बी डब्ल्यू एंड एस एंड नाइस डे